इंदौर जिला प्रशासन एक बार फिर भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही में सक्रिय हो गया है। इसके लिए शिकायतें पहुंचने पर एक बार फिर से भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। वहीं पीड़ित भूखंडधारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक शिकायत करने की तैयारी की है। आज रहवासी संघ की बैठक भी इस मामले में हुई, जिसमें आगे की रूपरेखा बनाई गई। ये अक्षरधाम कॉलोनी की जो शिकायतें, ये लगभग 3 जनसुनवाई पहले मेरे पास आई थी। मैंने इसको B-121 में अपने दर्ज किया और मैं इसमें सुनवाई कर रहा हूँ। इसमें कोई मैडम कनकने उपस्थित भी हुई थी। DRCS से रिपोर्ट मांगी गई है, परंतु रिपोर्ट नहीं आई है। जहाँ तक मेरी जो जानकारी है, उसमें मुझे ज्ञात हुआ है कि अमृता, मेघना और गणपति इस तरह की 3 सहकारी समितियों को मिलाकर इसमें करीब 9000 एकड़ ज़मीन पर किसी बिल्डर के साथ या कॉलोनाइजर के साथ मिलकर कोई कार्रवाई की गई है। और कोई कुलभूषण, कुक्की, अरविंद बागड़ी इस तरह के लोग इसमें हैं, ऐसा मेरे को उन लोगों ने बताया जिन्होंने शिकायतें करी हैं। अभी इन लोगों को भी नोटिस दे के बुलाया जाएगा, और जैसा कि शासन के निर्देश हैं और कलेक्टर महोदय ने भी हम लोग को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया हुआ है कि जितने भी सहकारी समितियों के पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने कि प्लाट आवंटित कराए हैं या जिन्होंने पैसे दिए हैं या जो मेंबर हैं और उनकी ज़मीन को कुछ लोग खुर्द-बुर्द करके दूसरों को देना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। और जो भी सहकारी समितियों के आवंटी हैं, उन लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। उन लोगों को अगर उनका अधिकार होगा तो उनको उनकी ज़मीनें दिलाई जाएंगी। रहवासी संघ की बैठक में बड़ी संख्या में रहवासियों ने इकट्ठा होकर आगे की कार्यवाही करने की रणनीति बनाई, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह को भी ज्ञापन देने की बात की गई। बता दें, रहवासियों की एक कमेटी आवासीय संघ समिति भी बनाई गई, जिसमें आगे की रणनीति के निर्णय लिए जाएंगे। रहवासियों ने यह भी कहा कि अगर आगे की कार्यवाही नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा। तब मैंने ये प्लाट लिया था, उसमें अक्षरधाम का या स्वामीनारायण का मंदिर और कई सपने दिखाए। राम हिरन जी ने, कुक्की जी ने, सभी लोगों ने कि भैया ये बहुत बड़ा आवासीय कार्य जिसमें सब बनिए, महाजन देंगे, बस्ती धार्मिक क्षेत्र का, इसमें वो बड़ा मंदिर बनेगा। तो हमने वो प्लाट के पैसे जमा कराए और हमने बीच में पूछा कि भैया हमने 1.5 लाख के 2 लाख के ऊपर आसपास जमा करा दिए हैं और रसीद है, और आपकी TNC ड्राइवर से नया बोला अभी गवर्नमेंट की कोई आपत्ति आ रही है, अभी आप पेमेंट मत दो। उनकी नीयत ख़राब थी, तो उनने जो उनके वाले थे उनकी तो सबकी रजिस्ट्री कर दी, जैसा आप यहाँ देख रहे हो उनकी रजिस्ट्री हो गई। वो काफ़ी उनके रिश्तेदार या समाज के थे, अपन व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, और अदर समाज की रसीदें लटक रही है। तो ये संस्था बनी यहाँ पे आवासीय संघर्ष समिति अक्षरधाम, उसके अंदर हम भी जुड़े हैं, हम भी आ रहे हैं 2 महीने से। अब अभी ये जैसे बोल रहा है पैसा दे देंगे, अरे भाई पैसा उस टाइम का, आज अगर हम 2 लाख का उस टाइम पे 1 एकड़ ज़मीन देता तो आज 10 करोड़ की ज़मीन हो जाती है। 1 एकड़ जब छोटा बांगड़ा में रेट ये थे, तो हम पैसा क्यों लें, हमको प्लाट चाहिए। हमारी तो यही विनती है कलेक्टर से, सभी से, और यहाँ के संस्था के जितने भी मेंबर बने हैं और जो ये राम करोड़पति सब बन के बैठे हैं, है ना, ये डकार रहे हैं, जो बड़ी बड़ी महंगी कारों में घूम रहे हैं बंगलों में, वो हमारा खून पसीना का पैसा है, उनका नहीं है। उस टाइम पे वो सब फटीचर थे। तो मेरा उनसे निवेदन है, इंसानियत से आप जो तकलीफ में लोगों ने प्लाट दिए हैं उनको प्लाट दे दो। जो तो प्लाट है 92-97 की रसीदें हैं मेरे पास, और 15,000 रुपये की रसीदें हैं मेरे पास। मैं जितनी भी बार सब्जनों के पास गया तो उनने उनका नाम लिया, उसका नाम लिया, मेरे को किसी भी प्रकार का कोई सही सुझाव नहीं मिला। तो इसलिए मैं अभी इस जो मीटिंग चल रही है अक्षरधाम की, उसमें सम्मिलित हूँ, और जो भी यहाँ पे सदस्य उपस्थित है और जो भी यहाँ पे जो कार्यकारिणी बनी है, उससे मैं पूरा सहमत हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को प्लाट मिले मेरा। सोलंकी जी से कब्जा ले, मेरे पास कागज भी है, कलेक्टर से भी आया है, मेरे को DRS से भी आया हुआ है, और सोलंकी से कब्जा ले, ये वाला बोल रहे हैं उसके पास में, उसके पास में जगह है, के पास में जगह, उनका सस्ता कहना पड़ा, हमने हमने वो इस पट्टी में प्लाट खरीद लिए। रमेश भैया ने वो प्लाट खरीदा तो बोले आगे आएंगे ना, वो तो आएंगे, वो कबल हमने वो प्लाट खरीदा बीच का, वो आया है दिखावा कि इनको प्लाट दिया जाए, पूरी उन्होंने जाँच की है अपनी, और रमेश जी जो है संस्था के जो मालिक है, उन्होंने भी हमको दिया, और सोलंकी को उन्होंने कहा है कि हमको दिया जाए, और उन्हें हमारे को मौके पर कलेक्टर जो अपने हैं अपने वो खुद सस्ता वाला आके मौके पे दे रहे हैं, उन्होंने वालों ने हमको दिया है, सस्ता वालों ने दिया इनको दिया है, संस्था वाले वहाँ गए थे कलेक्टर ऑफिस, पूरी प्रोसेस के साथ हमको
C4A करके हमको पास वाला प्लाट दिया। भाई किसी का कुछ होएगा सस्ता वाले निपटेंगे ना, इनको से धाम की तो अपने को साथ में लेके चलना इनको, ठीक है ना। इनका भी निराकरण अपने को, क्योंकि ये सिंगल लड़ाई लड़ते तो कब से लड़ लेते, लड़ना अपने को ही है, तो अपने को साथ में ही लेके चलना इनको, ठीक है ना। इनको साथ में लेके चलना, सारी रसीदे जो है वो भले ही 5,000 की हो या 4,00,000 की, रसीदे वाले अक्षर धाम के मेंबर और अपन इनको साथ लेके चलेंगे और इनका भी निराकरण अपने को ही कराना ठीक। ये निराकरण संस्थाओं से बैठ के चर्चा कर रहे हैं, कुछ रसीदें आई हैं उनका निराकरण के लिए, उनसे चर्चा करेंगे कि वो उनके लिए प्लाट दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, जो भी निराकरण होगा वो बैठ का भी निराकरण होगा। 2 महीने हुए अभी उसके अंदर काफ़ी हद तक क्लियरेंस स्थिति है, ये सब संगठित हैं, वो संगठित हैं, इससे आगे का वर्किंग हो पाएगा। और जो संस्था ने गड़बड़ी करी है, मतलब अमृता हो, मेघना हो, गणपति हो, तो वो जिन लोगों की रसीद हैं उनको प्लाट दिए जाए, अगर वो प्लाट नहीं देते हैं तो उस स्थिति में कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री जी से करेंगे।